हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। द एविजेड एकेडमी से मैं मोहम्मद आफ्ताब आलम और हमेशा की तरह आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक शानदार जानदार और आपके काम की वीडियो। और ये वीडियो मैंने स्पेशली बनाई है एनएस ओपन बोर्ड के 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आप एनएस ओपन बोर्ड से एग्जाम देने वाले हैं 12th क्लास का और सब्जेक्ट ले रखा है डाटा एंट्री ऑपरेशन जिसका पेपर कोड है 336, तो प्यारे बच्चों ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए ही है। क्योंकि अगर आप लोगों ने डाटा एंट्री ऑपरेशन सब्जेक्ट ले रखा है तो फिर आप लोगों को 20 नंबर में ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी कि शिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना है। अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अप्रैल सन 2021 के अंदर तो फिर ये असाइनमेंट आप लोगों को जनवरी सन 2021 तक बनाकर अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवाना है। और अगर आप एग्जाम देने वाले हैं अक्टूबर सन 2021 के अंदर तो फिर ये आप लोगों को असाइनमेंट 31 जुलाई सन 2021 तक बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देना है। वैसे लास्ट डेट ऊपर नीचे होती रहती है, तो अगर आपका 10-15 दिन ऊपर नीचे हो भी जाए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है खास इस वीडियो के अंदर आप लोगों के लिए। अरे बच्चों, एक बार मैं आप लोगों को फ्री याद दिला दूं, ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्हें एग्जाम देना है अप्रैल सन 2021 में या फिर अक्टूबर सन 2021 में। ये दोनों ही टर्म के बच्चे इस वीडियो को देखकर अपना असाइनमेंट बनाएंगे और असाइनमेंट बहुत सुंदर सुंदर राइटिंग में बनाना है, ब्लैक और ब्लू पेन का यूज करना है और पिक्चर्स जो मैं आप लोगों को दूंगा उसे भी आप प्रिंट आउट निकाल के अच्छे से पेस्ट करेंगे। और हाँ, अपने असाइनमेंट पर BN नंबर लिखना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को यह नहीं पता कि BN नंबर क्या होता है तो आप हमारी स्पेशल BN नंबर पर बनी हुई वीडियो देख सकते हैं ताकि आप लोगों को ज्यादा अच्छे नंबर मिल सके। तो बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर एक की। तो क्वेश्चन नंबर एक में मैंने ए वाला जो ऑप्शन होता है वो सॉल्व किया है। मैं आप लोगों को यहां पर दिखाना चाहता हूं क्वेश्चन पेपर, ये जो एनआईएस ओपन बोर्ड की तरफ से दिया गया है। तो इसमें साफ साफ ये कहा गया है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। उत्तर पुस्तिका के प्रथम पृष्ठ पर ऊपर की ओर अपना नाम, अनुक्रमांक, अध्ययन केंद्र का नाम और विषय जो आपका है सब्जेक्ट है विषय स्पष्ट शब्दों में जरूर लिखें। तो यहां पर आप देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर एक है उसके अंदर आपको दो ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों में से जो भी आपको अच्छे से आता हो उसे आप लोगों को सॉल्व करना था। जैसा कि मैं यहां पर पढ़कर ये बता देता हूं कि निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 40 से 60 शब्दों में देना है। तो मैंने इसका आंसर अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है, आप लोग यहां पर से उतार लीजिए। पहले हमने इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, फिर लेजर प्रिंटर के बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन दी है, फिर उसे इमेज की मदद से उसको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद फिर ये इंकजेट प्रिंटर के बारे में, और इस तरीके से हमारा आंसर पूरा होता है। किसी भी आंसर को तैयार करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप उसकी डेफिनेशन दें, उसको एक्सप्लेन करें, उसके सपोर्ट में आप इमेज या फिर डायग्राम या फिर आप जो है पाई चार्ट वगैरह भी उसमें एक्सप्लेन कर सकते हैं और तभी आप लोगों को अच्छे नंबर मिलते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं कि यूट्यूब से या कहीं से भी कोई भी असाइनमेंट उठाया, किसी ने भी कोई भी अपलोड कर रखा है और बच्चे उसको देखकर बनाना शुरू कर देते हैं और अपने स्टडी सेंटर पर जैसे तैसे जमा करवा देते हैं। प्यारे बच्चों, ऐसा करेंगे तो आप लोगों का फ्यूचर खराब होगा, आप लोगों को अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। आप लोगों को एक रिस्पॉन्सिबल जो चैनल है वहीं से अपना असाइनमेंट बनाना चाहिए और असाइनमेंट बनाने का अपना एक तरीका होता है, उसके आप लोगों को 20 नंबर दिए जाते हैं और 20 नंबर आप लोगों को फ्री के नहीं दिए जाते बल्कि उसके अंदर आप लोगों को मेहनत करनी होती है। हम आप लोगों के लिए हर पॉसिबल कोशिश करते हैं कि हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा असाइनमेंट दे सकें ताकि आप लोगों के ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आ सकें। तो बात करते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर सेकंड की, उतार लीजिए। यहां क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप देखेंगे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में एक नया फोल्डर बनाने के लिए चरण लिखें यानी कि स्टेप लिखें। तो यहां पर हमने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, उसके बाद इस तरीके से हमने इसके स्टेप लिखे हैं और इस स्टेप को वेरीफाई करने के लिए, इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए हमने इमेज का भी यूज किया है। तो ये देखिए, डेस्कटॉप पर आपको राइट क्लिक करना है, न्यू पे जाना है, फोल्डर पे जाना है और जो भी आप नाम लिखना चाहते हैं फोल्डर का आप लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा कोई भी फोल्डर तैयार होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए,
आपको अपना असाइनमेंट तैयार करना है। इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आप किस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे या उपयोग करेंगे, तो ये मैंने इसका आंसर यहां पर लिख दिया है, विद डायग्राम लिखा है, पूरे स्टेप लिखे हैं और क्वेश्चन नंबर थर्ड बड़ा भी है और अट्रैक्टिव भी है। बट इसका आंसर मैं आप लोगों को पार्ट टू के अंदर दूंगा, और पार्ट टू लेने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को 1000 लाइक तक पहुंचाना होगा, और जैसे ही इस वीडियो पर 1000 लाइक आ जाएंगे मैं आप लोगों को इसका पार्ट टू दे दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों को चाहिए इसका पीडीएफ, वो भी अर्जेंट में, तो प्यारे बच्चों आप जो है हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर, और आप हमें बता सकते हैं कि आपको इसका पीडीएफ चाहिए, तो आपको इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले, व्हाट्सएप करने से पहले, आपको इस वीडियो को लाइक करना है, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और उसके बाद आप हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर व्हाट्सएप करें, और उसके बाद ही आप लोगों को इसका पीडीएफ प्रोवाइड किया जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोग जो है अपना ये टारगेट जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे और अच्छे से अपना असाइनमेंट बनाकर अपने अपने स्टडी सेंटर पर जमा करवा देंगे। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोगों को इसका पूरे के पूरे 6 क्वेश्चन का पीडीएफ पार्ट टू जल्दी चाहिए, तो आप अपना टारगेट जल्दी पूरा कीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी बच्चों का तहे दिल से शुक्रिया।